बट अब नॉर्थ वाले हैं साउथ वाले हैं उनको पसंद कितना आता है ये डिपेंड करता है कि ये थाली कितनी पसंद आती है क्योंकि लगभग चीज़ें बॉइल हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेस्टिनेशन हैकर्स। और अभी चल रहे हैं हम लोग कुछ खाने की तलाश में और मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली में जो है दिल्ली हाट INA चलें और वहाँ पे कुछ फूड की खोज की जाए और कुछ स्टेट्स के फूड हैं वो मिल जाए। मुझे क्या है थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के जो अपने सेवन सिस्टर्स स्टेट है वहाँ के कुछ फूड्स ट्राई करने हैं। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज आ चुके हैं दिल्ली हाट की पार्किंग में, गेट नंबर 2 से पार्किंग है आजकल, बाकी सब बंद है। ठीक है गाइज, एक्चुअली क्या है अभी दिल्ली हाट खुला नहीं है, इसकी जो टाइमिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टाइमिंग है, लुक एट दिस, आई मीन इतने सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके गाइज, टिकट ले लिया है और ये टिकट पड़ा है मुझे 30 रुपीज़ का। खुल गया होगा सारा भैया। अ यूनिट ऑफ फूड स्टॉल फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तराखंड का फूड स्टॉल मिला है भाई, देख लो उधर। वो तो मैं खाता रहता हूँ तो इसलिए खाऊंगा नहीं। अभी जैसा मैंने बताया था आपको कि लेट्स ट्राई सम नागा फूड, नागा की कोई थाली मैं खाता हूँ और उस थाली को ट्राई करने के बाद हम चलेंगे उत्तराखंड की चाय पीने, क्योंकि पहाड़ों की चाय की बात ही कुछ और है। आइस टी आ चुकी है, थाली का वेट कर रहा हूँ। दैट मैन इज गोइंग टू ब्रिंग आवर फूड। थैंक यू सो मच, लुक एट दिस ब्यूटीफुल थाली। ये हमारा स्पेशल वेज बॉइल सर। ओके वेज बॉइल, ठीक है। इसमें कैरेट बीन्स एंड ग्रीन लीफ बॉइल रहेगा सर। ओके बॉइल। एंड ये हमारा स्पेशल नागा स्पेशल दाल। ओके दैट्स ग्रेट। एंड दिस इज सम फिश बैम्बू शूट ग्रेवी। ओके इसमें बैम्बू शूट एंड टोमेटो एंड फिश थोड़ा स्टीम करके। अच्छा उसका फ्लेवर कैसा, थोड़ा सा मतलब सर, थोड़ा सा मीडियम स्पाइसी में रहेगा, थोड़ा बैम्बू फ्लेवर में रहेगा। ओके दैट्स ग्रेट। और ये वाला? और ये सर ड्राई बॉइल्ड है सर। ओके स्टीम सब्जी सर। अच्छा ठीक है, जिसमें ब्रिंजल्स एंड बीन्स रहेंगे। ओके और ये वाला? और जिसमें ये सर ये हमारा स्पेशल चना का चटनी है सर। ओके चना, ड्राई फिश चटनी। ओके एंड दिस पोटैटो मिक्स चटनी सर। ओके दैट्स ग्रेट। और ये आइस टी, लेट्स सी मुझे कैसा लगता है। मैं पहली बार खा रहा हूँ नागा फूड, जो भी मेरे नागा फ्रेंड्स हैं देख लो, ट्राई करता हूँ फिर बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं थोड़ा सा राइस और इनका दाल देख लेता हूँ क्या डिफरेंस है। स्टीम राइस दाल ले लेता हूँ, इनका बॉइल दाल में क्या है अलग, ट्राई। गुड, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मतलब हम लोग जो यूजुअली दाल बनाते हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा तड़का या फ्राई करते हैं, तड़का नहीं है, सिंपल बॉइल किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट्स ट्राई दिस, प्लेन नॉर्मल जो है ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसको बॉइल किया हुआ है। फिश एक्चुअली ये फिश भी थोड़ा सा क्या है, जो बड़ी वाली फिश है उसको ड्राई किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, मुझे भी थोड़ा इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, बट इट्स गुड, मतलब थोड़ा सा हेल्दी है, इट्स फाइन। और ये चटनी है, चटनी ट्राई कर लेता हूँ कैसी है, चना और बहुत चीज़ें हैं। गुड फाइन, थोड़ा सा वैरायटी और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। और इसको खाते हैं फिर खाने के बाद जो है निकलते हैं नेक्स्ट चाय के लिए। खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, लगभग थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा लिया क्योंकि इतने अर्ली मॉर्निंग बहुत कुछ खाना पॉसिबल नहीं है, बट इट्स फाइन, इट्स गुड। जिन नॉर्थ ईस्ट वाले भाई उनके लिए तो ये एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है, बट अब नॉर्थ वाले हैं साउथ वाले हैं उनको पसंद कितना आता है ये डिपेंड करता है कि ये थाली कितनी पसंद आती है, क्योंकि लगभग चीज़ें बॉइल हैं, पूरी फ्राई नहीं है कुछ भी चीज़ें, सारी चीज़ें बॉइल हैं। तो ख़त्म करता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तराखंड की चाय पीने। हमारे सामने ह्यूज चाय का कूलर देख लो यार, खुशबू से तो लग रहा है भैया कि उत्तराखंड का है, थोड़ा थोड़ा आ रही है कुमाऊँ की। लेट्स ट्राई, बात तो है कि उत्तराखंड की चाय के बाद अभी बारी है वापस आने की, सो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगेन आई वांट टू टेल यू, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।